अच्छा यार, अक्सर औकात ना लोग इस थोड़ा सा एक ट्रिकी सा पार्ट है कि अलाइनमेंट जब गाड़ी की लोकली ख़राब होती है ना, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर हम गाड़ी के स्टेयरिंग को सीधा छोड़ेंगे तो गाड़ी स्ट्रेट चलती जाएगी। तो अगर वो लेफ्ट या राइट जा रही होती है तो इसका मतलब है कि गाड़ी की अलाइनमेंट आउट है। उस गाड़ी के अलाइनमेंट आउट होने की दो वजूहत और भी हैं अपार्ट फ्रॉम दिस के रियली में इसकी अलाइनमेंट आउट है, कि एक तो ये अगर वो लेफ्ट या राइट जा रही है तो उस गाड़ी का जो वो वाला टायर है उसकी ट्रेड जो है वो थोड़ी ज़्यादा घिसी हुई हो दूसरे टायर की बनस्बत। अदरवाइज ये होता है कि जिसके ऊपर ज़्यादातर लोगों की तवज्जो नहीं होती कि लेफ्ट साइड पर अगर आपकी गाड़ी खिंच रही है या जा रही है या राइट साइड पर जा रही है, तो उस टायर की स्पेसिफिक टायर की अलाइनमेंट चेक कराने से पहले आप उसका एयर प्रेशर चेक करा लें। द रीज़न इज़ कि अगर उस गाड़ी के उस टायर का पंचर होगा या एयर प्रेशर कम होगा तो ऑफकोर्स गाड़ी पे फ्रिक्शन उस टायर पे ज़्यादा आ रही होगी और गाड़ी उस साइड पे खिंचेगी। तो अक्सर औकात लोग ये समझते हैं कि गाड़ी की अलाइनमेंट आउट हो चुकी है, लेकिन होता ही है कि उस गाड़ी के जो स्पेसिफिक फ्रंट टायर होता है उस पर टायर प्रेशर कम होने की वजह से वो गाड़ी उस साइड पे लेफ्ट या राइट साइड पे खिंच रही होती है। और वो अगर आप टायर प्रेशर पूरा रखेंगे तो वो अलाइनमेंट का जो आपका जो गाड़ी लेफ्ट या राइट जा रही है उसका इशू सॉल्व हो जाएगा।